हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसलिए होने वाली है क्योंकि जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी यहां पर UPPCL TC2 की फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए रिज़ल्ट को लेकर क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, साथ ही उनके जो कमेंट आ रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर वो क्या कमेंट हैं, आखिर TC2 की फाइनल रिज़ल्ट कब जारी होगी, अब जो रिक्वायरमेंट बोर्ड का इस पर क्या कहना है रिज़ल्ट को लेकर, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। साथ ही UPPCL TC2 की फाइनल रिज़ल्ट को लेकर टेलीग्राम पर कैंडिडेट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जिसमें कि सब कैंडिडेट का एक सवाल था कि सर, जो आपने पिछली कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जो पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो 15 तारीख से पहले जारी कर दी जाएगी, क्या वो सच थी, क्या वो 15 तारीख से पहले जो है रिज़ल्ट जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। दोस्तों, आखिर क्या सच्चाई है, क्योंकि कैंडिडेट को कहीं ना कहीं उस वीडियो से आशा था जिसमें कि कॉल रिकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा बताई गई थी कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो 15 तारीख यानी कि 14 तारीख तक जो है आपकी रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकती है। आखिर क्यों अभी तक रिज़ल्ट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन, साथ ही जो कैंडिडेट्स कॉल कर रहे हैं उनको कोई नहीं रिज़ल्ट को लेकर स्पष्ट जवाब मिल रही है रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, आखिर क्या वजह है, रिज़ल्ट जारी होगा या नहीं होगा, कैंडिडेट्स के मन में ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही कैंडिडेट रिज़ल्ट को लेकर हर एक वेबसाइट पर, चाहे UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कम से कम एक से दो बार विज़िट कर रहे हैं, पर विज़िट करने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आखिर TC2 की रिज़ल्ट कब जारी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो क्या कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार रिज़ल्ट जारी होगी या नहीं होगी, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। आखिर क्या रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आप सभी को एक झूठा दिलासा दिया था कि जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिज़ल्ट आपकी 15 तारीख से पहले देखने को मिल सकती है, आखिर वो इन्फॉर्मेशन क्या पूरी तरह से फेक थी जो रिक्वायरमेंट बोर्ड ने दिया था, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों, आप सभी के सवाल, आप सभी के यूट्यूब चैनल पर, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पर studyzone/SZ पर एक कमेंट थे कि सर, जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, यहाँ पर एक सवाल बना हुआ था, जो सर आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया वो क्या रियल है या फेक है, अगर रियल है तो रिज़ल्ट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं अभी तक शेयर किया गया, साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया पर अभी तक क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन आई रिज़ल्ट आने वाली है, साथ ही यहाँ पर अगर कोई भी अपडेट आती, रिज़ल्ट आती, तो यहाँ पर जो हम कॉल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट बोर्ड में उस पर कोई क्यों नहीं कोई इन्फॉर्मेशन हमें जो है स्पष्ट बताया जा रहा है रिज़ल्ट को लेकर, आखिर क्या पूरी प्रक्रिया रिज़ल्ट की हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, अब बोर्ड का क्या कहना है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते से यहाँ पर UPPCL की जो भी वेरियस भर्ती हैं, चाहे वो न्यू वैकेंसी को लेकर कैंडिडेट जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें न्यू वैकेंसी चाहिए, हमारी रिज़ल्ट जारी करो, हमारी जो है नियुक्ति जल्द से जल्द करा, क्योंकि दोस्तों वो पिछले काफ़ी लंबे समय से 2020 की भर्तियाँ हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, पर यहाँ पर UPPCL की जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है इन सभी पर वो कोई भी एक्शन या कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है, जिसके कारण कैंडिडेट पूरे तरह से संतुष्ट हों और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आश्वासन लगे। कैंडिडेट यानी कि जो TC2 की फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस कॉल रिकॉर्डिंग से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है कि चलो 14 तारीख तक जो है हमारी किसी हालत में भी रिज़ल्ट आ जाएगी। पर दोस्तों, अब क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों एक दो न्यूज़ है जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी लगभग काम चल रही है और जो अगस्त के महीने तक है रिज़ल्ट जारी हो जाएगी, लगभग फोर्थ वीक तक, इससे पहले नहीं जारी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर अकॉर्डिंग आप देखते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि जो रिज़ल्ट को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई गई थी उस पर काफ़ी कैंडिडेट रिसर्च किए, हमने भी काफ़ी सर्च किए, काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइटों पर विज़िट किया, जिसको लेकर कोई ना कहीं ना इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिली जाती थी, पर दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर ऐसा कहीं भी संभावना नहीं दिखाया गया कि 15 तारीख से पहले जो है आपकी रिज़ल्ट जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट ने बात किया था
उन्हें एक झूठा दिलासा दिया गया था कि TC2 की फाइनल रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। अब रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्या कहना है कि हमारे पास तो कर्मचारियां कम हैं, जिसके कारण यहां पर UPPCL के अंदर काफ़ी सारे वेरियस पोस्ट हैं जिसके रिजल्ट जारी करने हैं, साथ ही यहां लाइन मैन की न्यू वैकेंसी के लिए कैंडिडेट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिर हम इन प्रक्रियाओं को कैसे इतनी जल्दी शॉर्ट टाइम में पूरा करें। तो यहाँ पर दोस्तों रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है कि जो भी वेरियस भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, यानी कि TC2 के भी पहले काफ़ी भर्तियाँ हैं जो है पड़ी हुई हैं एक दो, उनकी रिज़ल्ट जारी करेंगे, फिर इनकी रिज़ल्ट जारी करेंगे, फिर जाकर कहीं ना कहीं जो है न्यू वैकेंसी जो है हम यहाँ पर जारी करेंगे। तो इन सभी के लिए हमें एक समय चाहिए। लगभग उनका कहना है कि अगस्त के लास्ट वीक तक जितनी भी वैकेंसीज आनी हैं आपको पता चल जाएगा, उनकी कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, और साथ ही अगस्त के अंदर जो भी रिज़ल्ट की प्रक्रिया रोकी हुई है उन सभी प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दो तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं, तो किस बात पर आपको विश्वास है? क्योंकि दोस्तों अगर 14 तारीख को रिज़ल्ट जारी हो रही होती तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल गई होती। लगभग यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट यहाँ रिक्रूटमेंट बोर्ड में कॉल किए, कॉल करने के बाद उन्हें कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं कैंडिडेट, वो काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हमने कॉल किया तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली कि जिसको सुनने के बाद लगे कि यहाँ पर जो TC2 की जो रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। उनका बस यही कहना है कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विज़िट करते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है शेयर की जाएगी। तो यानी कि दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती तो इस इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन में कितनी तरह से अंतर पड़ जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर कैंडिडेट बात कर रहे हैं रिज़ल्ट प्रक्रिया जारी होनी थी तो सेम टू सेम वही बात कर्मचारी भी कहते कि आपको 14 तारीख तक जो है रिज़ल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है यहाँ पर दोस्तों। पर दोस्तों अगर पूरे तरह से एनालिसिस हो चुकी हैं, कटअप बन चुकी हैं, तो आपकी रिज़ल्ट जारी हो जाएगी। पर दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हमें निकल कर आ रही थी हमने बता दिया, जो आपके कमेंट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो हमें आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्योंकि कैंडिडेट भी जान रहे हैं कि रिज़ल्ट अगर जारी होनी होती तो कहीं ना कहीं से हमें जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती। तो यहाँ पर दोस्तों यह बात थी जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों अगस्त के लास्ट तक ही आपकी जो है TC2 की फाइनल रिज़ल्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से जो आ रही थी हमने आपको बता दिया। अगर दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है 14 तारीख से पहले, चाहे वो लगे कि हमें ऑफिशियल है, तभी हम आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है छोटी या बड़ी, वो भी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट आंदोलन कर रहे हैं न्यू भर्ती के लिए, रिज़ल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से UPPCL प्रेशर बना हुआ है और जल्द से जल्द वो वैकेंसियों को निकालना चाहता है, उनकी परिणामों को जारी करना चाहता है। तो कुछ समय दोस्तों आपको इंतज़ार करना है। लगभग दोस्तों यहाँ पर अगस्त के महीने तक यहाँ पर आप कंफर्म मानिए कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो यहाँ पर 100% जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी जो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा जो भी आपकी राय है रिज़ल्ट को लेकर। अगर हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो हमें शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन सारे कैंडिडेटों तक उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो